तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने आ चुका है और आप लोग देख भी सकते हो ये फेसलिफ्ट वाला मॉडल जो कि अभी हाल ही में ही कुछ हद तक लॉन्च हो चुका है। और ये जो एप्रिलिया की तरफ से Acer 160 का ये जो 2022 वाला जो मॉडल है, तो इसके अंदर ये जो ब्लैक वाला जितना भी कलर दिखाया जा रहा है अभी मैट ब्लैक के अंदर, तो उन सभी को बोला जा रहा है ब्लैक कार्बन एडिशन। तो वीडियो को पूरा देखते रहो आज के इसी वीडियो के अंदर, हम लोग इन सारा ही चीजों के बारे में बातें करने वाले हैं और आज का ये वीडियो छोटा मोटा एक क्विक रिव्यू वाला वीडियो भी हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहो। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने एप्रिलिया की तरफ से Acer 160 का फेसलिफ्ट वाला मॉडल अभी आ चुका है। तो ये जो Acer 160 का जो ये न्यू जनरेशन जो है, तो इसके अंदर ये जो मैट ब्लैक वाला कलर अभी आप लोग देख रहे हो, तो इसको बोला जा रहा है ब्लैक कार्बन एडिशन। तो ये जो ब्लैक कार्बन एडिशन बोला जा रहा है ना, तो इसके पीछे एक वजह है। देख सकते हो इस स्कूटर के ना कुछ कुछ जगह के ऊपर ये फेक कार्बन फाइबर फिनिश का एक मतलब लेयर दिया गया है, तो इसी वजह से इसको ब्लैक कार्बन एडिशन बोला जा रहा है अभी। तो इन सब के अलावा भी इस स्कूटर के अंदर जो लाइट्स का सेटअप दिया गया है, तो वो सारा का सारा ही एलईडी लाइट्स में ही दिया गया है। और इन सब के लिए देख ही सकते हो इस स्कूटर के अंदर जो ये मैट ब्लैक के अंदर जो ये रेड वाला जो स्टिकरिंग किया गया है, तो ये भी अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तो लग ही रहा है। और साथ साथ ये भी देख सकते होंगे इस स्कूटर के अंदर कुछ सामान कैरी करने के लिए एक हुक टाइप का भी दिया गया है। और इन सब के लिए भी देख ही सकते हो इस स्कूटर के ही हैंडल के बाजू में ये मोड और पावर बटन दिया गया है। और इन सब के लिए भी इस स्कूटर के अंदर जो ये मीटर कंसोल दिया गया है, तो ये पूरे तरीके से ही डिजिटल एक मीटर कंसोल है। और इसके अलावा जो ये लगभग लगभग ऑरेंज एलॉय व्हील्स के साथ में ही जो ये स्कूटर को देख रहे हो, तो ये एक और न्यू एडिशन है जिसको बोला जा रहा है रेस एडिशन, जो कि एप्रिलिया कंपनी की तरफ से Acer 160 के अंदर दिए गए थे पहले भी और अभी भी है इसी मॉडल के अंदर। तो ये जो रेस एडिशन है ना, तो इसके अंदर देख ही सकते हो स्टिकरिंग जो है, तो वो मतलब पहले वाले के तुलना में बहुत ज्यादा ही किया गया है। मतलब कि जो कार्बन ब्लैक का जो ये एडिशन था, तो उसके मुकाबले इसके अंदर और भी ज्यादा कुछ स्टिकरिंग किया गया है। जैसे कि देख ही सकते हो रेड के अंदर व्हाइट और ग्रीन ऐसा ही कुछ और येलो भी है। और इन सब के अलावा भी देख ही सकते हो इस स्कूटर के ही जो ये ब्रेक लीवर्स है, तो उसके सामने एक गार्ड दिया गया है। और इन सब के अलावा भी देख ही सकते हो इस स्कूटर के सामने दिया गया है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे दिया गया है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इन सब के अलावा भी देख ही सकते हो और एक चीज जो कि है, इस स्कूटर का जो सीट है ना, देखने में ड्यूअल सीट लगता है लेकिन असल में है नहीं, ये एक सिंगल सीट ही दिया गया है। और इन सब के अलावा भी देख ही सकते होंगे इस स्कूटर के जो सीट के नीचे स्टोरेज दिया जाता है ना, तो उसके अंदर एक एलईडी लाइट और साथ ही साथ एक यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है। और ये जो अंडर सीट स्टोरेज जो है, तो वो बहुत ही ज्यादा कम दिया गया है। एक फुल साइज हेलमेट भी उसके अंदर मतलब सेट हो नहीं सकता, मतलब ऐसा ही कुछ स्टोरेज दिया गया है इसी न्यू स्कूटर के अंदर भी। और साथ ही साथ देख ही सकते होंगे इस स्कूटर के अंदर जो एक ग्रैबल जो दिया गया है ना, तो ये भी कुछ न्यू डिजाइन के साथ ही दिया गया है। तो इसके अलावा भी देख ही सकते हो एक व्हाइट कलर ऑप्शन, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है अपने आप में ही। और मुझे ये व्हाइट वाला कलर ऑप्शन ही सबसे ज्यादा बेस्ट लगा ये दूसरे किसी भी कलर ऑप्शन के तुलना में। और इन सब के अलावा भी ये जो न्यू जनरेशन वाला Acer 160 जो अभी न्यू आया है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर दिया गया है, तो वो है 11.01 PS। और इसके अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क दिया गया है, तो वो है 11.6 Nm। और इन सब के अलावा भी देख ही सकते होंगे एक और कलर ऑप्शन जो कि रेड में दिया गया है। और इन सब के अलावा भी और भी मुझे ऐसा लगता है दो एक कलर ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि अभी तो सामने नहीं आया है लेकिन नियर फ्यूचर में सामने आ जाएगा। और इसके अलावा भी एक न्यू टेल लाइट दिया गया है इस स्कूटर के ही देख ही सकते हो पीछे। तो यही था कुछ क्विक रिव्यू और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन। और इन सब के अलावा भी अगर जानना चाहते हो कि ये जो स्कूटर है ये कब तक हम सभी लोगों के पास आ जाएगा, तो भाई देखो ये जो स्कूटर है ना, ये कुछ मेन डीलर्स के पास अभी आया है, मतलब कि इसी नवंबर के एंड होने से पहले पहले अब सभी लोग इसको देख भी सकते हो, खरीद भी सकते होंगे, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है अभी इस स्कूटर के ही मामले में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।